ये लीजिए नींबू, ये देखिए ये तैयार हो गया है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज है 14वां रोजा, मजला रोजा, सबको मुबारक हो। और आज शाम की अफ्तारी में हम बनाने जा रहे हैं हलीम, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। और आप सब लोग भी, मैं आप लोगों से भी सजेशन दूंगी कि आप लोग भी हलीम एक बार रमजान में जरूर बनाइए। बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा खटरा नहीं होता है। आप लोगों को ऐसा लगता है बहुत खटरा है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। आप जो है एक बार बनाइए ज़रूर, और मैं आपको इसका सामान सब दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें पड़ने वाला है, क्या यूज़ होने वाला है। आइए, क्योंकि अभी से तैयारी करूँगी तब जा करके शाम में बन पाएगा। इसे भिगोना पड़ता है असल में है, या तो अगर रात में आप भिगो दे तो दिन में बना ले सुबह में, अब मुझे शाम में बनाना है तो मैं अभी इसको भिगो दूँगी। अब ये भीग जाएगा तो बहुत आसानी से गल जाता है, इसे सोख जरूर करना होता है। ये चने की दाल, ये उड़द की दाल, और इस प्याली से आधी आधी प्याली मैंने मेज़र किया है। और ये है मूंग की दाल, थोड़ी कम है क्योंकि थी नहीं तो मैं चलो जितनी उतनी डाल देती हूँ। और ये है चावल, चावल अपने हिसाब से आप कोई से मोटे महीन, कोई से भी ले सकते हैं। और ये है मसूर की दाल, और ये है गेहूँ जो आपको मिलेंगे बाजार में, इसको बोलते हैं हलीम वाले गेहूँ। इसमें जौ और गेहूँ दोनों मिक्स होते हैं, जो बाकायदा ये कुटे हुए होते हैं, ये बाजार में ही मिलते हैं, ये साधारण गेहूँ नहीं डाले जाते हैं। और इसके साथ ये है हमारा आ गया है गोश्त, ये गोश्त रखा हुआ है, ये धुल के तैयार करके मैं अभी रख दूंगी ताकि शाम में जो है झंझट ना रहे। और बस अब इनको सबको हमें जो भिगोना है, ये जो है ये अलग भिगोंगी मैं गर्म पानी में थोड़े से, तो ये जल्दी भीग जाएंगे, बहुत अच्छे से गल जाएंगे, 3-4-5 घंटे आराम से मिल जाएंगे। और शाम में 3 बजे करीब बनाने रखूँगी मैं। ये हलीम का मटेरियल है, और हलीम में पड़ने वाला जो गोश्त है उसका मटेरियल है ये गोश्त। ये मसाले हैं, क्या भुना हुआ जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्ची है, और क्या है काली मिर्च है, और ये प्याज है। और यहाँ तेल मैंने गरम कर दिया है, ये अब मैं इसमें जो हूँ प्याज डाल रही हूँ, प्याज डाल दिया इसमें, ये प्याज लाल हो जाए, थोड़ी सी लाल तो नहीं मतलब हाँ हल्की सी पक जाए ये, तो मैं इसमें मसाले डालूँगी। और मसाले मैं साबुत इसलिए नहीं डालती कि खाने के टाइम पर अगर बच्चों के मुँह में आ जाए तो मुँह कड़वा हो जाता, तो ये लोग फिर बहुत परेशान करती हैं, बहुत परेशान होती हैं, तो इसलिए जो है मैं पीस के इसे रख लेती हूँ सारा मसाला ग्राइंड करके, तो वही मैं डालूँगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, बस प्याज हो गई है लगभग, बस इतना ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, गोश्त डाल देना है ये। और इसको जो है इस तरीके से 2-3 मिनट ऐसे भून लीजिए। और इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये ऐसा है ना, गोश्त पहले बना के रख लूँगी और बाद में इसमें हलीम पकाऊंगी, गोश्त निकाल के रख लूँगी अलग। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको ज़रा भून लें आप, जब तक उसकी कच्चाई ना चली जाए। अब इसमें मैं ये, इसे 2-3 मिनट हो गया है भूनते हुए, और ये भून गया है, अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले सारे, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मसाला ये पक जाए उसके बाद इसमें पानी छोड़ के इसको, इसे 7-8 सीटी लगा दीजिए, क्योंकि हमें गला हुआ चाहिए है गोश्त। मसाला भून गया है, देखिए आप बिल्कुल तैयार है मसाला भून के ये, और यही टेक्सचर हमें चाहिए है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, और इसे खूब अच्छा सा गलाना है क्योंकि मुझे हलीम में डालना है ये, तो हलीम में चम्मच से बोटी कट जाए ऐसी, मतलब गलना है ये। अब इसको बंद कर दी, लीड लगा दी है, अब इसको जो है 7-8 सीटी देने तक इसे पका लेना है। और ये मैं हलीम बघारने जा रही हूँ, तेल डाल दिया, और ये थोड़ा प्याज डाल दिया मैंने, और ये हो गया लहसुन, ये है लहसुन, ये मिर्च हो गई, इसमें हरी मिर्च भी पड़ेगी इसलिए मिर्च हिसाब से ही डालें अपने, जितना आप क्वांटिटी में रखें। और ये हल्दी, अपने जायके के अनुसार डाल देना। और ये हमारी प्याज हो गई, अभी मैं मसाले डाल दूँ, और ये इस तरीके से मसाले को भून लीजिए। अब भून के अब सबसे पहले मैं ये डाल दूँगी गेहूँ, हलीम कुटा हुआ हलीम जब बोलते हैं, अब मैं ये डाल रही हूँ, पानी डाल दिया इसमें थोड़ा, हम इसको लीड लगा करके 3-4 सीटी इसमें लगा देते हैं ताकि गेहूँ जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जैसे कि ये ऐसे हो गया है, 2-3 सीटियाँ मैंने इसमें लगा दी को, और ये इस तरीके से हो गया जो हमारा कुटा हुआ हलीम था वो गेहूँ जैसे बोलते हैं। अब मैं इसमें ये डाले दे रही हूँ, और इसमें मैंने पानी भी डाल दिया, और ये इस तरीके से डाल के उसमें पानी डाल दिया, अब इसको गलाना है, अब इसमें फिर लीड लगा करके इसको रख देना है रखने के लिए। जैसे कि ये हलीम की, ये देखें ये हलीम तैयार हो गया है, अब इसको थोड़ा सा इसको घोटना है,
इस तरीके से घोट लेना है। ये है ना, ये दाल घुटानी बोलते हैं इसको, है इसको पानी रख। अब जैसे कि ये घुट गया है, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालें आप इसको। और पानी गर्म करके ही डालें इसमें। अब इसमें आखिरी मोमेंट यह है इसका कि अब इसमें ये डालना है जो मैंने सालन तैयार करा था ना भून के, इसको डालना है इस तरीके से। नहीं है अभी सालन डाल दिया, अभी मिला दूंगी मैं। और इसमें ये हरी मिर्च और धनिया पत्ती ये, और ये बनाइए ज़रूर, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे है। ये देखिए अब बस इसको एक उबाल तक इसे पका लेना हल्के आंच पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें सालन जो बनाया था वो मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा खौल लग रही है, इसकी उबाल आ रही है। उबाल आ जाए इसको, बस फिर तैयार है इसमें बघार लगाने में। और ये मेरा यूज़ करा हुआ तेल है, पकौड़े वकौड़े बना रही हूँ ना आजकल रमजान है तो ये वही तेल है। तो ये तेल पका हुआ है, मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। और ये मैंने प्याज डाल दिए, इसको फ्राई करके मुझे जो है उसमें डालना है हलीम में। और ये बघार तैयार हो गई, मैंने बघार डाल दिए इसमें बस। ये भुना हुआ जीरा मसाला है और इसको हल्के से ऐसे करके डाल लें आप। लीजिए मज़े का हलीम तैयार हो गया चटपटा। और ये रहा नींबू आपका, आइए हमारे दस्तरखान पे आप फटाफट से। अब ये लीजिए नींबू, ये देखिए ये तैयार हो गया है। और ये देखें, और ये बहुत झटपट से बना दिया है मैंने है। आप इसको ज़रूर बनाइए रमज़ान में और ज़रूर इसको खाइएगा और सबको खिलाइए और मुंह का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। पूरे दिन के रोजे के बाद मुंह का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत लजीज है हलीम खिचड़ा जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। फिलहाल आप खाइए जरूर, बनाइए जरूर, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान से है। इसी के साथ हमारे रेसिपी को आप एंजॉय कीजिए, इसी के साथ हमारे दुख्तर हुस्ना ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिनने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें यूँ ही हौसला अफजाई दीजिए हमें, और हमें दुआओं में याद रखिए। और अल्लाह हाफिज़, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहिए।